राधाश्री। अरे हमेशा कैसे हो? मैं ठीक हूँ, और तुम? हाँ मैं भी ठीक हूँ। क्या सामान खरीदने के लिए? हाँ, और तुम? अरे हाँ, सेम ही। तुम लोग कहाँ? अरे दीपक, कैसे हो? अरे लॉकडाउन खुला घूम रहा है। हाँ, हाँ, हम लोग भी। और एक बात सुना जी नहीं? क्या बात? ये मैंने अभी आ रहा था तो दिगंतों को देखा, तुम लोग उन लोग उससे बच के रहना। इसका मम्मी पापा कल ही मुंबई से आए, और तुम लोग को पता है जो लोग बाहर से आते हैं ना उसका कोरोना है, कोरोना हो सकता है, तो तुम लोग उससे दूर रहना, उससे नहीं मिलना, ठीक है? और सबको अपने सारे दोस्तों को बोलना, ठीक है? ठीक है, हाँ मैं जा रहा हूँ। अरे दीपक, अरे दूर दूर पिछड़ो, कहाँ जा रहे हो? दिगंतों के घर। अरे समझाओ इसको, मत जाना, कोरोना है उससे, मर जाओगे तुम सच में। अरे उसका मम्मी पापा कल ही मुंबई से आए हैं, और तुमको पता है जो लोग बाहर से आते हैं उसका कोरोना होता है, इसलिए उससे मत मिलना, ठीक है? सबको बोलो। अरे वो दिगंतों को कोरोना हो गया है, इसलिए पुलिस और मीडिया है। मैंने बोला था ना, अभी हमारा पूरा गांव विपद में आ सकता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ पूरा पुलिस को बुला के हमको उसको बाहर करना है, गांव से निकालना है। अरे हम लोग एक दोस्त है दिगंतो, उसका मम्मी पापा मुंबई से आए हैं, कोरोना है। कैसे मालूम है तुम लोग को उसको कोरोना है? हमें सुनने को मिल रहा है, सुनने को अगवा क्यों फैला रहे हो? दूसरा के बात से कभी भी नहीं आना चाहिए, उसको बाहर से आए हैं, कोई भी बाहर से नहीं भेजेंगे। जो बाहर से आते वो लोग को तीन चार जगह रास्ता पे चेक करके वो लोग को बाहर आने वाला आदमी को भेजते हैं। तुम डॉक्टर है? अरे जो भी बाहर से वो नहीं देखते अखबार। तुम डॉक्टर? तुम नहीं है ना डॉक्टर, इसको कुछ भी पता है नहीं। कुछ समझ नहीं आ रहा है तुमको, अभी समझा तो, अभी क्लिनिक सामने है, डॉक्टर को मैं जाओ बुला के लाओ। देखो मैं बोल रहा हूँ, हम लोग को अपनी जान की आ रही है, गाँव वाले की जान की आ रही है, इसीलिए हमें उसको गाँव से बाहर निकालना। अरे सर नमस्ते, नमस्ते। वो हम लोग का एक दोस्त है जी दिगंतो, उसका मम्मी पापा कल ही मुंबई से आए, हमने सुना है उसका कोरोना है, तो इसलिए मैं इन लोगों को समझा रहा हूँ। देखिए सबसे पहला बात है, वो और उसके पिताजी और उसकी माँ अभी हमारे क्लिनिक आई थी, हम लोगों ने खुद उसका रिपोर्ट चेक किया है, रिपोर्ट बिल्कुल निगेटिव है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है? और अगर किसी को हमारे इस इलाके में या इस पूरे स्टेट में किसी को भी अगर बीमारी है तो हमें बस सरकार के तीन चार नियमों का पालन करना है, जैसे कि समय समय पर हाथ धोते रहना, मास्क पहनते रहना, कहीं भी निकलो मास्क पहनकर ही निकलो। अच्छा। और तीसरा सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत जरूरी है, इसे पालन करना है, तभी हम इसे इस चेन को तोड़ पाएंगे, ठीक है? और चौथा चीज है वर्क फ्रॉम होम, किसी भी काम हो अगर कोशिश किया जा सके तो वो घर से भी किया जा सके, इसीलिए हमें वर्क फ्रॉम होम को भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण देना है। इस समय पूरा दुनिया इस कोरोना नामक महामारी से लड़ रहा है, तो हमें इस महामारी से लड़ना है, ना कि इनके बीमारों से लड़ना है। अच्छा। हमें इन जितने भी बीमारों लोग हैं उन सबको मानसिक तौर पर यह सहायता देनी है कि हम उनके साथ है इस मुश्किल वक्त में, ना कि उनके खिलाफ है। हम जितना उनके खिलाफ बनने की कोशिश करेंगे वो उतना ही अंदर से टूटना शुरू हो जाएंगे, और जितना वो टूटेंगे उतना हमारा समाज, हमारा डिस्ट्रिक्ट, हमारा देश टूटना शुरू हो जाएगा। तो अब हम दिगंतों से मिल सकते हैं, बस दूरी बना के, दूरी बना रखना, कोशिश हो यही होना चाहिए कि उसे घर से ही फोन करके बात कर लो, ठीक है? जितना हो सके दूरी बनाए रखो एक दूसरे से। समझा ना तुम लोग सब लोग? समझ में आ गया सबको? अभी कोई अभी अफवाह नहीं फैलाना है, ठीक है? थैंक यू सर। थैंक यू सर।